बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने जिस तरह से बायोलॉजी की वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, सबसे पहले हमने टैलेंट फंक्शन को किया, उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और थर्ड जो है एंजाइम्स। ये तीन चैप्टर आपके कमिंग संडे टेस्ट, ठीक है, आज फ्राइडे है और संडे को आपका जो है फर्स्ट संडे टेस्ट है, ठीक है। सो मैंने संडे टू संडे टेस्ट के चैप्टर्स को इस तरह से संडे टेस्ट में अरेंज किए, आपका फर्स्ट संडे टेस्ट कमिंग संडे को है और इस तरह से टेस्ट फाइव संडे टेस्ट मैंने फर्स्ट ईयर को पूरा कवर किया है और फोर संडे टेस्ट में मैंने सेकेंड ईयर को किया है। तो मतलब नाइन संडे टेस्ट में मैंने आपको आपका जो है ना पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने मॉक टेस्ट रखे हैं, ठीक है, जो कि अगस्त तक चलते जाएंगे, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस है, आपने आपको इनरोल कराए हमारे टेस्ट सेशन में, नंबर जो है आपको कम्युनिटी पेज से मिल जाएंगे और वो जो वीडियो मैंने टू मंथ की शेड्यूल की बनाई है वहाँ भी मैंने अपने नंबर बताए हैं, ठीक है। सो ये सारी सेशन की डिटेल थी। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या स्टोइकोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी मैं सारे लेक्चर पास पेपर भी अपलोड करवा चुकी हूँ, वीडियो यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, फोर्स एंड मोशन का भी काफ़ी डिटेल में मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यू सब कुछ करवाया हुआ है। अच्छा, अभी क्योंकि फ़िलहाल मैं देखो मैं एक ही हूँ, ठीक है, वो तो आपको पता है, ये तो साथ में केमिस्ट्री फिज़िक्स और बायो को मैनेज करना, मैं मैनेज कर लूँगी, लेक्चर वगैरह मैं दे दूँगी, लेकिन साथ साथ पास पेपर के एमसीक्यूज करवाना वो काफ़ी टफ हो जाएगा। खुद सोचे एक इंसान क्या क्या करेगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मैं सारे लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, मेरे पास टाइम बचता, लेकिन अगस्त में मैं आपको सारे पास पेपर करवाऊँगी, क्योंकि अगस्त तक तो मैं फारिग हो चुकी होंगी ना, सब पूरा सिलेबस मैंने जून जुलाई में आपको कंप्लीट करवा दिया होगा और आप लोग की भी प्रिपरेशन हो गई होगी। तो अगस्त मेरे पास क्या होगा कि मैं अगस्त में आपके मॉक टेस्ट लूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंजाइम, ठीक है। सो बेसिकली बेटे एंजाइम जो है वन शॉट लेक्चर सीरीज में यहाँ पे हम एंजाइम को पूरा डिस्कस कर लेंगे ए टू सेट, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद, ये वन शॉट लेक्चर सीरीज देखने के बाद आपने अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अब खुद सोचिए वन शॉट लेक्चर सीरीज में जितनी चीज़ें मैं कवर करवा सकती हूँ ना, मेन वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं वर्बली बताती हूँ आपको, साथ साथ बता देती हूँ बेटे ये आ सकता है पास पेपर में ना। तो बेटे मैं आपको अगर बोलूँ या ना बोलूँ होमवर्क का ना, एक होमवर्क तो आपका पक्का ही है कि हर लेक्चर देखने के बाद, हर वन शॉट बायोलॉजी का लेक्चर देखने के बाद, वन शॉट लेक्चर सीरीज जो मैंने अभी स्टार्ट की है, आपने टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। देखिए मैंने संडे टू संडे टेस्ट पूरे टू मंथ का शेड्यूल आपके सपोर्ट कर दिया था कि आप लोग रिलैक्स हो कि हाँ भाई टू मंथ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद संडे सेट में जो चैप्टर इंक्लूड है सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, सारे इंस्ट्रक्शन भी दे रही हूँ, वॉइस नोट में डेली सुबह शाम वॉइस नोट करती रहती हूँ ग्रुप्स में, आपके एमडीकेट्स ग्रुप्स में, ताकि आप लोग मोटिवेट रहें, ठीक है। और आप लोग अब संडे टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डेली टास्क सेट करें, ठीक है। लेक्चर जो है मेरे उसके अकॉर्डिंग अपने डेली टास्क, कितने लेक्चर हमें देखने हैं, किस तरह से हमें लेके चलना है, तो वो सब आप खुद करेंगे ना। मैंने आपको पूरा टू मंथ का बता दिया किस तरह से मैं आपको लेके चलूँगी, किस तरह से मैं आपको कोर्स कम्प्लीशन करवाऊँगी। अब आपने डेली टू डेली अपने आपको जो है ना इस बात का पाबंद करना है कि आप डेली टास्क को कम्प्लीट करें, ताकि सैटरडे तक, एटलीस्ट सैटरडे तक जो है आप सारे मेरे लेक्चर जो भी मैंने संडे टेस्ट में दिए, संडे टेस्ट के चैप्टर्स के सारे लेक्चर आप देख चुके हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हो और साथ साथ जो है चैप्टर वाइज पास पेपर कर चुके हो, ठीक है। और देन संडे टेस्ट आप, संडे वाले दिन आप फ्री हो, संडे वाले दिन आप रिवाइज करें चीज़ों को, इस तरह से आपने खुद प्रिपेयर होना है। अदरवाइज़ ये कभी नहीं कहिएगा कि मैम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप फिर एक दफ़ा जब आप ये बात कहें ना कि देखिए हमारा सिलेक्शन, तो एक दफ़ा खुद से अपने आप से पूछ लीजिएगा क्या मैंने 100% दिया था। अब वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं वो खुद से एक सवाल करें, क्या उन्होंने अपना 100% दिया था। खुद आपका ज़मीर आपको बता देगा। तो बेटे 100% अपना दे दें, यही तीन मंथ है आपके पास, यही तीन मंथ में जो है ना पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, एंजाइम्स को स्टार्ट करवाना था। एंजाइम जो है सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एंजाइम क्या क्या आप लोग एंजाइम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेटे एंजाइम जो है ना बेसिकली इसका काम जो है ना वो कैटालिसिस करना है किस चीज़ को। अब एंजाइम जो है अब हम अगर बायोलॉजी के लिहाज से देखें तो बेटे एंजाइम जो है ये कैटालाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, मीन ये बायोकैटलिस्ट है। क्या है ये? एक बायोकैटलिस्ट है जो कि कैटालाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर
रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमने फूड इनटेक किया, अब वो जो फूड इनटेक किया है अब उसकी ब्रेकडाउन, उसके जो बेनिफिट्स कंपोनेंट्स है, बेनिफिट इंग्रेडिएंट्स है, वो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हार्मफुल या जो वेस्टफुल होता है वो वेस्ट आउट हो जाता है फ्रॉम दी बॉडी. ठीक है. सो जो ये जो मेस्टिकेशन के प्रोसेस के बाद जो केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है हमारी बॉडी में, इन दी बॉडी. तो इन सब को कैटालाइसिस, अगर एंजाइम नहीं होता तो ये रिएक्शन बहुत स्लो स्लो चलते हैं, और फिर क्या होता, हम तो बिल्कुल जो है ना डल होते हैं एनर्जी, क्योंकि जब स्लो रिएक्शन चलते तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रही होती, तो फिर हम जो है ना मतलब इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना अब जैसे हमने खाना खाया, हम बहुत भूख लगी, हमसे जब भूख लगती है आपको तो बिल्कुल आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, क्योंकि सुबह नाश्ता ना करो तो क्या हालत हो जाती है, क्योंकि आपने फूड इनटेक, आपने नाश्ता नहीं किया होता मीन, ठीक है, अब नाश्ता नहीं किया होता इसका मतलब में एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, नाश्ते से मिलेगी, और नाश्ता करने के फौरन 5 मिनट बाद आप में एक एनर्जी आ जाती है ना, तो वो क्यों, इस एंजाइम की बदौलत, इन एंजाइम की बदौलत आपके क्या बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक स्पीड से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज तो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत स्लो हो रही होती. ठीक है. सो ये मैंने आपको बता दिया. उसके बाद में आपको इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक अगर बताऊँ तो बेटे, एंजाइम जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना लास्ट टाइम वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज में, अभी पढ़ाया मैंने, इसी साल पढ़ाया है. ठीक है. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटे ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती है, फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, तो जिन बच्चे ने वो लेक्चर लिया है तो उसको पता होगा कि हाँ क्या होती है, पता है हमें. तो मैं बार बार यहाँ पे अगर बताऊँगी ना तो ये वन शॉट नहीं होगा, ये टू शॉट हो जाएगा ये लेक्चर. ठीक है. सो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, आपने ये आपको पता होना चाहिए. ग्लोबुलर प्रोटीन का ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में. ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए, ये आ सकता है एमसीक्यू के एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, फिब्रस प्रोटीन होगा, बोथ होगा, एक होगा नन. तो आपने ग्लोबुलर प्रोटीन पे टिक करना है, और वेरी स्पेसिफिक. अब एंजाइम जो है ना ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब हर आप ये नहीं समझे कि एक ही एंजाइम है और हर रिएक्शन पे काम कर रहा है. नहीं बेटे, हर एंजाइम जो है ना हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक, मतलब एंजाइम जो है ना एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है. ठीक है. ये नहीं सोचिए कि एक एंजाइम है तो वो हर रिएक्शन में काम कर रहा है. नहीं, हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है. तो एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. अच्छा, अब ये एंजाइम जो है ये सेंसिटिव भी होते हैं. लाइक पीएच अगर अप हो गई या डाउन हो गई, ठीक है, तो एंजाइम इनसे क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, एंजाइम पे इफेक्ट पड़ सकता है. उसकी ग्लोबुलर जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर फर्क पड़ सकता है. इस तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, ठीक है, और कम हो जाए तो ये इफेक्ट कर सकता है एंजाइम की नेचर पे. ठीक है. इस तरह से सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है एंजाइम पे इफेक्ट करती है. तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव. ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया. उसके बाद रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट. अब एंजाइम आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए. क्यों? क्योंकि एंजाइम का काम, एंजाइम खुद से आपको एनर्जी नहीं दे रहा. एंजाइम क्या कर रहा है, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, और रिएक्शन को फास्ट कर रहा है तो रिएक्शन जितना जल्दी फास्ट होगा उतनी जल्दी आपको एनर्जी मिलेगी. तो एंजाइम बेसिकली खुद से उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा. उसका काम सिर्फ क्या है, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको सिर्फ क्या कर देता है, उसको स्लो कर देता है, जिससे रिएक्शन आपका फास्ट हो जाता है. ठीक है. ये मैं केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ाऊंगी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया. ठीक है. तो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट. उसके बाद रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर रिएक्टिविटी. अब इसके लिए ना एक्वस मीडियम होना चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी के लिए, मतलब रिएक्टिविटी के लिए जाहिर सी बात है रिक्वायर होता है एक्वस मीडियम. ठीक है. उसके बाद है सब मे रिक्वायर को फैक्टर फॉर द प्रॉपर फंक्शन. अच्छा, एंजाइम जो है ना कभी कभार एंजाइम को रिक्वायर होते हैं को फैक्टर, किस चीज़ के लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शन. मगर मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको को फैक्टर की नीड होती है. ठीक है. कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर लिख लें, कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है. क्या है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है. ठीक है. नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब ये एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये जो है एंजाइम है. अब इसके साथ यहाँ पे एक नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, कोफैक्टर. मतलब अगर ये कोफैक्टर नहीं होता तो ये एंजाइम इतना अच्छा वर्क नहीं करता. तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इसे कोफैक्टर की नीड होती है. अब समझ आया. अच्छा, उसके बाद दूसरा देखिए, लोअर दी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. वही बात जो मैंने आपको बताई कि बेटे एंजाइम बेसिकली किस तरह से कैटालाइसिस करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की, बाय दी लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ठीक है. सो मैंने जिस तरह से बताया, याद रखें. अच्छा, कोफैक्टर
इससे आगे तो आएगा कोफैक्टर, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने बहुत डिटेल में बताया क्योंकि ये बच्चे इसमें जो है ना, मोस्टली बच्चे इसमें अटक जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैम वो। अच्छा बेटे, अगर लोकेशन के बारे में बताऊं तो मैनी सिंपली डिजॉल्व इन दी साइटोप्लाज्म। अगर एंजाइम की लोकेशन आपसे पूछे कि भाई एंजाइम होते कहाँ पे, तो बेटे या तो ये ऑर्गेनेल जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, वो या तो उनके साथ अटैच होंगे कुछ एंजाइम, या कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कौन से एंजाइम अटैच होंगे जल्दी से मुझे कमेंट करें। ऑर्गेनल्स तो आपको पता है ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कौन से एंजाइम कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है। तो अब ये लोकेशन की बेस में आपको एंजाइम बता रही हूँ कि बेटे कुछ एंजाइम जो है ना वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और कुछ एंजाइम जो ऑर्गेनेल के साथ क्या होते हैं, बाइंड हुए होते हैं, बाउंडेड स्टेट में हुए होते हैं। तो अब मैं आपसे आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कौन से एंजाइम बाउंड हुए होंगे जल्दी से कमेंट करें। तो बेटे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कौन से एंजाइम होंगे, रिस्पायरेटरी एंजाइम। तो रिस्पायरेटरी एंजाइम जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाइंड होंगे, क्योंकि उनका काम तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है। इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम होंगे वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। सो ये इस तरह से, और जो साइटोप्लाज्म में होंगे वो जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होंगे, राइबोसोम पे पड़े होंगे। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के कैटालाइजेस किस तरह से करता है। वैसे मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं मज़ीद आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो आप इसको क्या कहेंगे भाई, जो एंजाइम का एक्शन है, जो मैकेनिज्म है, उसको आप क्या कहेंगे। ऊपर ही मैंने आपको एक लाइन बता दी, कैटालाइसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इसे हम कैटालाइसिस कहते हैं कि एंजाइम बेसिकली क्या करता है, एंजाइम बेसिकली एक कैटलिस्ट के तौर पर है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, और इस तरह से जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है रिएक्शन की, इस वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो वो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है ना, वो कम हो जाती है, जिस वजह से जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो बेसिकली एंजाइम भी एज अ कैटलिस्ट जो है ना यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन। अब एंजाइम की ना स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन है ड्यू टू कॉम्पोनेंट अमाइनो एसिड एंड स्पेसिफिक शेप। अच्छा, मैंने जिस तरह से कहा कि बेटे एंजाइम की ना एक स्पेसिफिक क्या है कॉम्पोजिशन है, जिसमें क्या होते हैं इसके अमाइनो, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लोबुलर प्रोटीन है ना। मैंने क्या कहा कि एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर है। तो प्रोटीन मतलब क्या कि किससे बने हैं, प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो वही कह रहे हैं कि एंजाइम की केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत स्पेसिफिक है उसमें, क्योंकि उसमें जो कॉम्पोनेंट होते हैं ना अमाइनो एसिड, वो उसकी वजह से, ठीक है। और स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक शेप किस तरह से, थ्री डायमेंशन ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, तो स्पेसिफिक शेप तो होगी। अच्छा, स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम हेल्प टू रिकॉग्नाइज सब। अब जो स्पेसिफिटी है ना एंजाइम की, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एंजाइम को क्या करने के लिए है, जो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की, ये हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए सबस्ट्रेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला देखें, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है और ये कोफैक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये कोफैक्टर है और ये क्या है, ये एंजाइम है और ये क्या है, ये कोफैक्टर है। अच्छा, तो अब आप देखें इसकी जो शेप है, इस एंजाइम की शेप देखें, इस एंजाइम की शेप क्या है, इस तरह से है, मतलब इसमें इसी तरह का सब्सट्रेट आके फिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोफैक्टर की जगह, यहाँ तक अगर कोफैक्टर की जगह है, तो कितनी जगह बच गई, जल्दी से बताएं कितनी जगह बच गई। अगर मैं येलो से बनाऊं तो इतनी जगह बच गई, मतलब ये सबस्ट्रेट ऐसा होगा अगर जो इस शेप का होगा वही यहाँ पे आके फिट होगा। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे घूम रहा था और इसने यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट था। तो अब आपने देखा कि एंजाइम की जो शेप थी ना, जिस तरह से हमने कहा कि एंजाइम की जो स्पेसिफिटी थी वो सबस्ट्रेट को रिकोगनाइज करती है। अब ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला सबस्ट्रेट बनाऊँ तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम की शेप से मैच ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से कह रहे हैं हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। अब जब ये यहाँ पे फिट हो गया, ये सबस्ट्रेट से फिट हो गया है ना,
यहाँ पे आके फिट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये इस सब्सट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, ये एंजाइम है, ये सब्सट्रेट आके यहाँ पे अटैच हुआ, ये कोफैक्टर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। जब ये मिल जाते हैं तो इसे सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या है, सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो सब्सट्रेट होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और निकल जाता है। देखिए ये इंजाइम है, और ये देख रहे हैं ये सब्सट्रेट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गया, और इंजाइम और कोफैक्टर ऐसे ही लगे रहे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि रिएक्ट विद सब्सट्रेट, जब इंजाइम सब्सट्रेट से रिएक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। सब्सट्रेट बाइंड विद स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग रीजन कॉल्ड एक्टिव साइट। अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि सब्सट्रेट जो है ये जो सब्सट्रेट आया था ये एक स्पेसिफिक जगह पे इंजाइम पे जाके अटैच हुआ, जिसे हम एक्टिव साइट कह रहे हैं। और वो जो स्पेसिफिक जगह है वो स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग प्लेस है, ठीक है। तो वो आपने याद रखना है, जो सब्सट्रेट जो है एंजाइम से अटैच होता है ना, वो एक रीजन होता है, स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग रीजन, ठीक है। तो सब्सट्रेट बाइंड विद स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग रीजन कॉल्ड एक्टिव साइट। तो MCQ इस तरह से आएगा कि सब्सट्रेट बाइंड विद विच रीजन ऑन एंजाइम, तो आपने एक्टिव साइट कहना है। और दूसरा MCQ इस तरह से आ सकता है कि एक्टिव साइट चार्ज बेयरिंग होता है या नो चार्ज बेयरिंग होता है। तो अगर आपने इस चैनल से पढ़ा, इस लेक्चर से देखा है, तो आपने चार्ज बेयरिंग पे टिक करना है। तो इस तरह से वो MCQ में घुमा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैटालाइसिस का। उसके बाद अगर मैं एक्टिव साइट का बताऊँ कि बेटे एक्टिव साइट में एक कैटालाइटिक साइट होती है, दूसरी बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। रिकॉग्नाइज सब्सट्रेट एंड बाइंड, जो बाइंडिंग साइट होती है ना वो रिकॉग्नाइज करती है सब्सट्रेट को और बाइंड कर जाती है। जो कैटालाइटिक साइट होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपने देखा कि ये एंजाइम था और ये कोफैक्टर था, और ये सब्सट्रेट ने देख, बहुत सारे सब्सट्रेट थे, इस तरह का शेप का भी था, इस तरह का शेप का भी था, सब्सट्रेट घूम रहे थे ना तो साइटोप्लाज्म में। तो जब देखा इस ये सब्सट्रेट जब यहाँ ये सब्सट्रेट जब गया तो इसको एंजाइम दफा कर दिया कि नहीं तुम तो मेरे शेप की तरह, तुम तो स्पेसिफिक ही नहीं हो मेरे लिए, तो ये भी चला गया। जब ये वाला सब्सट्रेट गया ना तो ये लग गया इसके साथ, जब लग गया तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम ने मतलब जब ये वाला लग गया ना, जैसे कि अब ये सब्सट्रेट देखें इस पिक्चर में ये लग गया ना, कोफैक्टर भी है, तो ये बाइंडिंग साइड है। ये सब्सट्रेट आके यहाँ पे लग रहा है ना, ये बाइंडिंग साइड है, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज कर रहा है एंजाइम जो है, उस सब्सट्रेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है और बाइंड कर रहा है, ठीक है। और जो कैटालाइटिक साइड होती है कि मेन जो सब्सट्रेट है ना, ये जो सब्सट्रेट था अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गया, तो मीन ये कैटालाइटिक साइड बन गई, कैटालाइज कर रहा है, और सब्सट्रेट से क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो एक्टिव साइड में दो तरह की साइड, एक बाइंडिंग साइड होती है, दूसरी कैटालाइटिक साइड होती है, ठीक है। तो ये सारा था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम। अच्छा, तो आप अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो बेटे ट्रिक आपने याद रखनी ABC। अब ABC का क्या मतलब है, A फॉर एक्टिव साइड, ठीक है, एक्टिव साइट। B4 के एक्टिव साइट की एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालाइटिक साइट है। तो इस ट्रिक से आपने याद रखना है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि बेटे सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई हर एंजाइम जो है ना उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो स्पेसिफिक होती है और उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है ड्यू टू इट्स 3-डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से, ठीक है। हर एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है। फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम की जो है वो एक्टिव साइट इस तरह से जो है वो सर्कुलर होगी, तो वहाँ पे सर्कुलर जैसा सब्सट्रेट जाके अटैच होगा। कुछ एंजाइम्स होंगे जिनकी जो है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर होगी, तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर जैसे सब्सट्रेट जाके अटैच होगा, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए सब्सट्रेट को, ठीक है। और जैसे ही वो सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, बाइंडिंग साइड पे बाइंड होता है, सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद बाइंडिंग साइड के बाद एक बाइंडिंग साइड होती है जिसमें रिकॉग्नाइज होता है सब्सट्रेट और बाइंड कर जाता है, दूसरी होती है कैटालाइज साइड जिसमें क्या होता है कि जो सब्सट्रेट बाइंड हुआ होता है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो एंजाइम उस सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करके जो एंजाइम है वो सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करके उस सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है एंजाइम से, ठीक है। तो ये सब होता है कैटालाइटिक साइड पे, ठीक है। और जो सब्सट्रेट अटैच होता है एंजाइम की वो कौन सी साइड होती है, एक्टिव साइड होती है, और बेसिकली एक्टिव साइड क्या, एक चार्ज बेयरिंग रीजन है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था जो कि मैंने अभी दोबारा से रिवाइज करवा दिया। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अगर मैं ये दूसरी चीज़ बताऊँ कि बेटे इस तरह से, जिस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि एक देखिए एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम भी यूज़ हो सकता है और मल्टीपल एंजाइम भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के लिए, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के लिए मल्टीपल एंजाइम भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और अगर एक सीरीज ऑफ एंजाइम पूरा, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, तो ये पूरा बायोकेमिकल जो है मेटाबॉलिज्म, तो इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पूरी एक सीरीज चल रही होती है ना।
तो बेटे फॉर एग्जांपल ये इनिशियल सब्सट्रेट है, ये आपका इनिशियल सब्सट्रेट है, और ये इंजाइम फर्स्ट। तो इंजाइम फर्स्ट ने क्या किया, इनिशियल सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इंजाइम फर्स्ट के लिए ए जो था वो सब्सट्रेट था और जो बी था वो क्या है, प्रोडक्ट। इस तरह से इंजाइम टू के लिए जो बी था ना वो सब्सट्रेट है, जो कि इंजाइम वन का प्रोडक्ट था, ठीक है। और इंजाइम टू का जो प्रोडक्ट है वो इंजाइम सी है। इस तरह से इंजाइम थ्री का जो सब्सट्रेट है वो सी होगा, जो किसका प्रोडक्ट था, जो इस इंजाइम टू का प्रोडक्ट था। जो इंजाइम टू का प्रोडक्ट था वो इंजाइम थ्री का सब्सट्रेट होगा। इस तरह से जो इंजाइम थ्री का प्रोडक्ट होगा वो इंजाइम फोर का क्या होगा, सब्सट्रेट होगा। तो इस तरह से पूरी जो है सीरीज चल रही होती है रिएक्शन की, ठीक है। तो इंजाइम वन की वजह सब्सट्रेट ए जो है बी पे कन्वर्ट हुआ, इंजाइम टू की वजह से सब्सट्रेट बी जो है प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हुआ, इंजाइम थ्री की वजह से सब्सट्रेट सी जो है किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट डी में, और इंजाइम फोर की वजह से सब्सट्रेट डी जो है वो प्रोडक्ट ई में कन्वर्ट हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो हमें मिल गया, ठीक है। ये हमारा इनिशियल सब्सट्रेट था, इनिशियल मतलब जो इनिशियल था, क्योंकि बाकी इसमें बीच में भी आ रहे थे, ठीक है। तो हमने इनिशियल इस वजह से कहा, और फाइनल प्रोडक्ट क्योंकि बीच में प्रोडक्ट बन रहे थे जो कि अगले रिएक्शन के सब्सट्रेट थे, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा कि भाई ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अगर फीडबैक इनिबिशन बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आके जो है इस एंजाइम वन पे जाके लग जाए, तो जब ये लग जाएगा तो ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन चल रही थी ना इसको स्टॉप कर देगा, इसको रोक देगा। और दूसरा, अगर प्रिकर्सर एक्टिवेशन बताऊँ, तो अगर ये सब्सट्रेट जो है ये जाके एंजाइम फोर पे जाके अटैच होगा हो जाए तो फिर क्या होगा, प्रिकर्सर एक्टिवेशन होगी। तो इस बात से आपको क्या समझ आ रही है, ये कुछ समझ भी आ रहा है आपको? मैंने कहा कि अगर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम वन के साथ अगर लग जाए तो फीडबैक इनिबिशन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जगह मैंने आपसे कहा कि बेटे अगर ये इनिशियल प्रोडक्ट जाके, ठीक है, एंजाइम फोर के साथ लग जाए तो क्या हो जाएगी, प्रिकर्सर एक्टिवेशन हो जाएगी। खुद सोचे, सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ लगना इनिबिशन नहीं करवाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट एंजाइम के साथ लग गया तो फिर इनिबिशन हो जाएगी। इस तरह से ट्रिकी अंदाज में सोचे तो आपको याद करने में आसानी होगी। आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि जब भी फाइनल प्रोडक्ट अगर भाई प्रोडक्ट बन गया ना, प्रोडक्ट अगर इंजाइम के साथ लगेगा तो इनिबिशन हो जाएगी, इस तरह से सोचे। और सब्सट्रेट अगर इंजाइम के साथ लगेगा तो एक्टिवेशन ही होनी है, ठीक है। तो ये प्रिकर्सर एक्टिवेशन मैंने बता दिया और ये फीडबैक इनिबिशन बता दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ये मेन पॉइंट ये दो चीज़ें क्लियर करवाने के लिए बताया था कि वो आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं कि प्रोडक्ट एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है तो कौन सी तो क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रही है, इनिबिशन हो रही है। तो आपके ना ये इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें, जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि बेटे सब्सट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है एक्टिव साइट पे, ठीक है। प्रोडक्ट अगर एंजाइम के साथ अटैच होगा तो जाहिर सी बात है इनिबिशन ही होनी है, ठीक है। तो इस वजह से फिर फौरन आपने इनिबिशन पे टिक करना है। अगर वो कहें कि सब्सट्रेट जो है वो एंजाइम फोर पे अटैच हो रहा है इनिशियल सब्सट्रेट, तो अब आप लोग कुछ बच्चे इनिबिशन लगाएंगे के इनिबिशन। तो बेटे अगर आपने इस लेक्चर से पढ़ा होगा ना तो आप बोलेंगे कि भाई सब्सट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है तो जाहिर से बात एक्टिवेशन ही होगी, तो प्रिकर्सर एक्टिवेशन पे टिक कर जाएंगे, ठीक है। सो ये सारा थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अच्छा, उसके बाद इस तरह से मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया कि बेटे ये एंजाइम है, ठीक है, और ये आपका सब्सट्रेट है। आप खुद देखें इसकी जिस तरह से शेप है इस एंजाइम की, उसी तरह से ये सब्सट्रेट है। तो जब भी ये यहाँ पे आके फिट हुआ, फिर ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद ये सब्सट्रेट जो है ये क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, और ये बाहर निकल गया, ठीक है। और एंजाइम दोबारा से रेडी हो गया दूसरे सब्सट्रेट को लेने में ऑन एक्टिव साइट, ठीक है। अगर मैं ऊपर से बताऊँ तो बेटा ये एंजाइम है, ये सब्सट्रेट था, ठीक है। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना इसमें, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट बन गया वो अलग हो जाएगा, और जो एंजाइम अलग हो गया मतलब ये दोबारा से रेडी हो जाएगा दूसरे सब्सट्रेट को ऑन एक्टिव साइट बिठाने के लिए, ठीक है। सो ये सारा मैकेनिज्म था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडल्स। अच्छा, तो अब जो है ना दो मॉडल है, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक क्या है, इंड्यूस फीड मॉडल है। ये आपने शायद 9 में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो एक है इमल, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल को जो प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, वो किया था एमल फिशर ने, और इंड्यूस फीड मॉडल को कोशलैंड ने किया था, ठीक है। बेसिकली इन दोनों, ये दोनों मॉडल क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल आपको कहता है कि बेटे लॉक एंड की मॉडल जो है एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, कि हर स्पेसिफिक की जो है ना, ये तो आपको पता होगा कि हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है। इन द सेम मैनर, उसी की तरह हर स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट ही जाके अटैच होगा, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर समझाया कि बेटे जिस तरह से एंजाइम की शेप होगी, अगर एंजाइम ये एक्टिव साइड है, ठीक है, अब ये एक्टिव साइड जो है
ये एक्टिव साइट जो है इस पे इसी तरह का सब्सट्रेट जाके अटैच होगा ना, तो वही कह रहे हैं कि जिस तरह से हर स्पेसिफिक की के लिए, हर हर स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इस तरह से हर स्पेसिफिक एंजाइम जो है ना वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट को, किस में, प्रोडक्ट में, ठीक है, मतलब इसमें ये वाला सब्सट्रेट जाके फिट नहीं होगा, ये वाला ही होगा, ठीक है। सो लॉक एंड की मॉडल ये कह रहा था, एक्टिव साइड इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। दूसरा की इस दूसरा पॉइंट जो इसने बताया लॉक एंड की मॉडल में, कि जो एक्टिव साइड है ना वो क्या है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि ये बात तो आपको समझ आ गई।